हेलो और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हम यूपीएससी सीएमएस के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट 15 साल के, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले पीवाईक्यू बताऊंगा, फिर वो पीवाईक्यू का आंसर हम डिस्कस करेंगे, बाद में उस पीवाईक्यू का जो टॉपिक है वो हम डिटेल में उसकी बात करेंगे। इसकी वजह से आपको भी इसमें सरलता रहेगी और 80% क्वेश्चन है जो यूपीएससी पेपर में आते हैं सीएमएस के, वो रिपीट होता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन चालू करते हैं। और यहाँ पे मैंने रेंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, परंतु एट द एंड ऑफ अवर प्रिपरेशन वी विल कवर ऑल द एमसीक्यू। जो आखिरी 15 साल के एमसीक्यू है वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे, और वीडियो को पूरा देखें और अपनी बुक में ये सब लिखते रहे, क्योंकि बाद में आप रिवाइज कर सके और आप वीडियो पर भी बार बार देख सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वो 2015 में आया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की बात करें तो जो ईएसआई एक्ट होते हैं, तो वो ईएसआई एक्ट में नीचे में दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शामिल नहीं होता, तो ऐसा क्वेश्चन था एक्सेप्ट। तो उसमें एक दिया गया था मेडिकल बेनिफिट, दूसरा था रिहेबिलेशन बेनिफिट, तीसरा था सिकनेस बेनिफिट, चौथा था न्यूट्रिशनल अलाउंस। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल अलाउंस है वो ईएसआई एक्ट के बेनिफिट में आते नहीं है, जबकि मेडिकल रिहेबिलेशन सिकनेस मटर्निटी देन डिसेबलमेंट फ्यूनरल एक्सपेंस और डिपेंडेंट बेनिफिट शामिल होता है। तो ये 7 चीजें ईएसआई एक्ट के बेनिफिट में शामिल होती है और ये 2015 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर हम दूसरा टॉपिक जो डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो उसके बारे में बात करेंगे। बाद में जो एमसीक्यू पूछा गया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, ठीक है। तो जो एनोफिलिस है, तो एनोफिलिस से कौन सा डिजीज ट्रांसमिट होता है, तो वो है मलेरिया, ठीक है। फिर क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो से कौन सा होता है, तो कि वेस्ट नाइल फीवर, फिलारियासिस एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये जो 3 डिसीज है वो क्यूलेक्स से होते हैं, ठीक है। बाद में एडिस, एडिस से डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है और येलो फीवर ट्रांसमिट होता है, और आखिरी है वो मेंसोनिक्स। तो जो मेंसोनिक्स मॉस्किटोज होते हैं उससे कौन सा होता है, तो मलयालन मलयान फिलारिया। तो ये सब है डिसीज वो मॉस्किटोज के द्वारा ट्रांसफर होते हैं और ह्यूमन में आते हैं। अब क्वेश्चन था यूपीएससी सीएमएस 2015 में, कंसीडर द फॉलोइंग डिसीज। उसमें ऑप्शन दिया गया था, एक येलो फीवर था, दूसरा था चिकनगुनिया था, तीसरा था जापानीज इंसेफेलाइटिस था, चौथा था क्यू फीवर था, पांचवा रिलेप्सिंग फीवर था और छठा स्लीपिंग सिकनेस था, ठीक है। तो इनमें से कौन से जो डिसीज है वो मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, तो वो पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको आगे बताया इस तरह येलो फीवर, चिकनगुनिया और जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये जो 3 है वो डिसीज मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। सी एम एस 2024 में एक क्वेश्चन था, ए मेडिसिन का क्वेश्चन, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में ऐसा था कि एक डायबिटिक कीटोएसिडोस का कोमेटेस पेशेंट है, तो एक कोमेटेस पेशेंट में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिशिएट हुआ है, तो वो कैसे हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, आपको डीके की ट्रीटमेंट आना जरूरी है। डीके की ट्रीटमेंट है तो उसका जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो NaCl है, और वो हम जनरली जो है वो 0.9% NaCl यूज करते हैं। बाद में उसका जो हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल जैसे कि बाइकार्बोनेट फॉस्फेट वो सब देखते हैं, फिर इंसुलिन हम देते हैं, जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो उसमें यूज होता है। बाद में जो वाइटल्स है वो हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बाद में पोटेशियम को चेक करना जरूरी है, और सारे जो बफर है जैसे कि फॉस्फेट बाइकार्बोनेट उसका भी जो करेक्शन करना है वो जरूरी है। तो इसका आंसर आएगा NaCl। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो फ्लूइड है डीके में वो कौन सा दिया जा सकता है, तो उसका ऑप्शन भी NaCl आएगा, या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सी है डीके की, उसके लिए भी NaCl ही आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन 2014 में एक पार्किंसन का क्वेश्चन आया था कि जो टिपिकल फीचर ऑफ पार्किंसोनिज्म है वो नीचे दिए गए है ऑप्शन, उसमें से कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन था फेलियर टू स्विंग आर्म ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है, दूसरा था निस्टाग्मस, तीसरा था कोगविल रिजिडिटी, और चौथा था फैसिनेटिंग गैप। ठीक है, तो उसमें जो आंसर आता था फेलियर टू स्विंग आर्म तो होता है पार्किंसन, कोगविल रिजिडिटी होती है, ठीक है, और फैसिनेटिंग गैप भी होता है, निस्टाग्मस पार्किंसोनिज्म में नहीं देखने मिलता। अब हम पार्किंसन डिसीज के जो सिम्टम्स है उसके बारे में बात करेंगे, उसमें से कई क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके सिम्टम की पहली बात करें तो ट्रिमर होगा, और शेकिंग ऑफ हैंड और आर्म और लेग, फिर रिजिडिटी होगी, स्टिफनेस होगी, ठीक है, रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस, फिर पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, ठीक से वो खड़े नहीं हो पाएंगे, उसमें इंस्टेबिलिटी आपको देखने की मिलेगी, बाद में ब्रेडिकाइनेसिया होगा, मीन्स के मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, ब्रेडिकाइनेसिया, देन फ्रीजिंग और सफलिंग गैप होगा, अनवांटेड एक्सेलरेशन होगा, कुछ मूवमेंट है वो बहुत क्विक देखने को मिलेगी, जैसे कि स्पीच बहुत जल्दी जल्दी वो बोलेंगे, स्पीच डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, देन थोड़े वो आगे झुके होकर खड़े रहेंगे, उसे कहेंगे स्टूप्ड पोस्चर, फिर डिस्टोनिया जोना मिलेगा, डिस्टोनिया देखने को मिलेगा, फिर इम्पेयर्ड फाइन मोटर डेक्सटिस जो देखने को मिलेगी, एकाइनेसिया देखने को मिलेगा, रेस्टलेस मूवमेंट विच इज अपियर एज बीइंग जंपी एंड फिगेटी, वो एक एथिनसियन का मूवमेंट होता है, स्वेलिंग में डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, माइक्रोग्राफिया देखने को मिलेगा, जो हैंड राइटिंग है वो श्रिंकिंग हो जाएगी, ठीक है, माइक्रोग्राफिया देखने को मिलेगा, फिर क्रिम्पिंग देखने को मिलेगा, और सेक्सुअल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिर जो 2014 में जो एक क्वेश्चन था CMS में कि जो हम जो ग्लोमेरुलर फंक्शन होते हैं वो कैसे मेजर करेंगे, कौन सा टेस्ट उसके लिए बेस्ट है, तो उसमें दिया गया था ब्लड यूरिया सीरम क्रिएट क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट और USGO किडनी, तो उसमें आता है क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट, ये सब चीज है वो आपको सिर्फ याद रखनी है कि ग्लोमेरुलर फंक्शन को आप कौन सा जो टेस्ट है वो बेस्टली डायग्नोसिस करेगा। फिर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो टिटानी, ठीक है, टिटानी में भी टिटानी मतलब तो आपको सबको पता है इनवॉल्यूंट्री जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे टिटानी कहते हैं, और वो कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होगा, तो उसमें ऑप्शन दिया गया था कि हाइपरवेंटिलेशन की वजह से देगा, हाइपोकैलेमिया की वजह से हो सकता है, हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस, हाइपोमैग्नीशिया दिया गया था, और हाइपोनेट्रेमिया दिया गया था, ठीक है, हाइपोमैग्नीशिया और हाइपोकैल्शियमिया की वजह से टिटानी देखने को मिलता है, और हाइपोकैलेमिया जब पोटेशियम कम होता है तब भी आपको पैरालिसिस वीकनेस ऐसी चीजें देखने को मिलती है, और हाइपरवेंटिलेशन में भी देखने को मिलेगा, उसमें भी अल्कलोसिस होगा, ठीक है, हाइपरवेंटिलेट होगा तो CO2 वॉश आउट होगा, CO2 कम होगा तो उसकी वजह से शरीर में अल्कलोसिस देखने को मिलेगा, और हाइपोकैलेमिया अल्कलोसिस में भी
टिटानी देखने को मिलेगा और हाइपोमैग्नेशिया में भी देखने को मिलेगा। इसमें आंसर आता है हाइपोनेट्रेमिया, एक्सेप्ट ऐसा पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट, जो ट्रेस एलिमेंट है कि उसकी कमी की वजह से लो बर्थ वेट, प्रीटर्म डिलीवरी, स्पॉन्टेनियस एबोर्शन और कंजेनेटल माल फॉर्मेशन, ये सब होगा। ट्रेस एलिमेंट यहाँ पे पूछा गया है, तो उसका आंसर आएगा जिंक। और एक क्वेश्चन दो तीन बार आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी वजह से आपको ये याद रखना जरूरी है और ये आप गलत नहीं कर सकते, इसको गलत करना होना है। अब एक बीएमआई के बारे में क्वेश्चन दिया गया था, एक क्वेश्चन पे 2029 में आया था, उसमें जो वेट था वो 73 kg और जो हाइट थी वो 1.75 मीटर दी गई थी, और उसमें बीएमआई कैलकुलेट करके उसकी जो कैटेगरी है वो बताने को बोला था कि नॉर्मल है, अंडरवेट है, प्री ओबेस है या ओवरवेट। तो यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऊपर वेट आएगा, नीचे हाइट अपन स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हाइट है 73, सॉरी वेट है 73 और हाइट है 1.75, हमारा आंसर आ जाएगा 23.86 और ए अकॉर्डिंग टू WHO BMI क्लासिफिकेशन इट इज नॉर्मल। अगर हम बात करें कि हम कैसे पता चलेगा कि ए अंडरवेट है, नॉर्मल है या ओवरवेट है, तो जो WHO ने जो क्लासिफिकेशन दिया है जिसका भी BMI लेस देन 18.5 है वो अंडरवेट में आएगा, फिर 18.5 टू 24.9 ये नॉर्मल में आएगा, बाद में 25 टू 20.29.9 ये ओवरवेट में आएगा, और मोर देन 30 है वो ओबेस में काउंट होगा। तो ये याद रखना जरूरी है, ये इजी क्वेश्चन है और आपको ये पूरे 2 मार्क दिलाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नए वीडियो के साथ हम आएंगे और नए PYQ और नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।